नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी पाई है। सुरक्षा बलों ने रविवार से चल रही मुठभेड़ में चार आतंकियों को मार गिराया है। मौके से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुसार कुपवाड़ा मुठभेड़ में दो और आतंकवादी मारे गए हैं। अब तक मुठभेड़ में कुल चार आतंकवादी मार गिराए गए हैं। मौके से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने बताया कि कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में एक आतंकी शौकत अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर आतंकी ठिकाने की तलाश शुरू की गई और इस दौरान छिपे हुए आतंकियों ने घेरा सख्त होते देख फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आतंकी लगातार फायरिंग करते रहे। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में शुरू हुई मुठभेड़ में एक एक कर दो आतंकी मार गिराए और एक आतंकी लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी दहशतगर्द था। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आतंकी भी गिर गया था। उसने भी आतंकी ठिकाने पर पहुंचकर साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी थी। हालांकि सोमवार सुबह सुरक्षा बलों ने दो और आतंकियों को मार गिराया, जिनमें आतंकी शौकत अहमद शेख भी शामिल है। तो पुलवामा के छठपुरा इलाके में मुठभेड़ आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में चल रही थी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। कि कुपवाड़ा पुलिस ने एक लोकल टेररिस्ट को जो शोपियन डिस्ट्रिक्ट का है शौकत अहमद शेख को पकड़ा था। उसके इंटोग्रेशन से पता चला था कि लोला वैली में फॉरेस्ट एरिया में पाकिस्तानी टेररिस्ट छिपे हुए, जो उसको हल ले गया गया तो इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जिसमें तीन पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के टेररिस्ट मारे गए, उसमें शौकत भी मारा गया। उसके अलावा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, उसमें रात में एक लोकल टेररिस्ट एनडीटी का मारा गया है। और कुलगांव डिस्ट्रिक्ट वाले ऑपरेशन में अभी तक दो टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट एलईटी के मारे गए हैं। और हालांकि एक टेररिस्ट उसमें जो जाकिर जो है वह जेश के साथ चलता था, दोनों कैटेगरी टेररिस्ट है। और हम लोग को संभावना है कि उसमें एक दो टेररिस्ट और हो सकता है। जब हम कंपेयर करते लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर 5 महीना और 19 दिन में 52 टेररिस्ट मारे गए थे टोटल, और इस साल 114 मारा गया है। जहाँ तक एफटी की बात है तो इस साल बहुत ज़्यादा सक्सेस हम लोग को मिल रहा है। अभी तक में 33 एफटी मारे गए हैं। बिल्कुल, जब एफटी का नंबर यहाँ कम हो जाएगा तो स्वतः ही जो लोकल लड़के ज्वाइन करते थे जो उनका घट जाएगा। तक मैंने कल ही कहा था कि हम लोग ऐसे भी यात्रा रूट नहीं बल्कि साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ हो, सेंट्रल कश्मीर, तीनों रीजन में सिमुलेटरी ऑपरेशन करते रहेंगे और यात्रा ट्रैक और रूट का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो देश भर में कांग्रेस अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू में भी यूथ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सेना का राजनीतिकरण किया जा रहा है और देश के युवा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना को वापस लेना ही होगा और जब तक ये योजना वापस नहीं ली जाती है कांग्रेस तब तक इसका विरोध करती रहेगी। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सेना के राजनीतिकरण को बढ़ावा केंद्र सरकार दे रही है और इस योजना को वापस ले लेना चाहिए। युवाओं के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है और लगातार प्रदर्शन भी कांग्रेसियों की तरफ से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भारत में सभी युवाओं की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से अग्निपथ स्कीम जबरदस्ती भारत के युवाओं के ऊपर थोपी जा रही है और पूरे देश भर में युवा प्रोटेस्ट कर रहा है, उनकी सपोर्ट में यूथ कांग्रेस आज फिर से है। और दूसरी तरफ वो नेता, वो देश का बेटा, वो राहुल गांधी जो पिछले कितने सालों से ये आवाज युवाओं की उठा रहा है, जिनको दबाने की कोशिश ये करप्ट बीजेपी सरकार कर रही है, उनको ईडी के बारे में, ईडी के कारण, ईडी के जरिए धमकाने की कोशिश, हरास करने की कोशिश की जा रही है, इसके खिलाफ यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। ना युवा झुकेगा, ना युवाओं की आवाज उठाने वाला हमारा नेता राहुल गांधी झुकेगा। झुकना होगा तो जो देश विरोधी, युवा विरोधी ये जो बीजेपी सरकार है इसको झुकना पड़ेगा। और इसके लिए प्रोटेस्ट हमारा पहले भी चल रहा था, आज भी चलेगा, और जब तक ये सरकार, ये करप्ट बीजेपी सरकार अपनी गलती को मानकर अपना ये रोल बैक नहीं करती अग्निपथ स्कीम को, तब ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। जब तक भारत के युवाओं का भविष्य जो है हमें लगे कि अंधकार से बाहर आ गया है, तब तक हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। वहीं इस योजना के विरोध में जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये योजना युवा विरोधी है और सरकार ने बिना सोच समझ के इस योजना को लागू कर दिया है। तो पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ योजना को युवा विरोधी करार दिया। सरकार से योजना को वापस लेने की मांग आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आई। जोरदार प्रदर्शन प्रेस क्लब के बाहर आम आदमी पार्टी का देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। आर्मी के प्रति जज्बा कम करने के लिए ही मोदी सरकार ये वाला कानून लाई है। कौन है जो 4 साल नौकरी के बाद रिटायर हो जाएगा? वो रिटायरमेंट के बाद करेगा क्या? 10 लाख में आज की डेट में आता ही क्या है? अगर एक आर्मी वाला रिटायर होता है 17 साल की नौकरी के बाद, वैसे भी ये था कि नौकरी जो थी 33 साल की उम्र में आर्मी का जवान रिटायर हो सकता था। इनको अब क्या पड़ी थी 4 साल के बाद रिटायरमेंट? ये कह रहे हैं 89 में ये वाला बिल बनाया गया। इस बिल में कुछ नहीं था, ये बिल बोगस था, इसीलिए 89 से ये बिल आज तक रद्दी के कागज़ में खाक छान रहा था। आपका पर्सनल इंटरेस्ट है हिंदुस्तान के भाईचारे को, हिंदुस्तान के नौजवान को डीमोरलाइज करने का। आज 6 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट होते हुए, 6 दिन के बाद आम आदमी पार्टी यहाँ उतरी है। आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर पे उतरी है। हमारे राष्ट्रीय कन्वीनियर श्री अरविंद केजरीवाल जी जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे, हमारे युवा, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार की तरफ धकेला जा रहा है। बहुत बहुत नाखुश है। देखिए सिंपल सी बात है, आप जो गोल्डन टाइम है एक युवा का वो ले रहे हो 4 साल, उसके बाद सिर्फ 25 लोगों को आप अंदर ले रहे हो, बाकी 75% लोगों को आप मतलब उनको निकाल रहे हो। ठीक है, उनमें से 75% जो लोग हैं उनमें से ठीक है 5-10% लोग हो सकता है सेटल आ जाए, लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द 65%? वो युवा तो रोडों पे आ जाएगा, उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। दैट इज व्हाई युवा बड़ा नाखुश है, वो चाहता है कि इस चीज को वापस लिया जाए। मांगे ये है कि जो ये स्कीम अग्निपथ भाजपा सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है, इसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए, क्योंकि अगर आप देखें एक नॉर्मल पर्सन 15 साल डिफेंस का आदमी जॉब करता है, इन्होंने उस 15 साल की जॉब के अंदर 4 आदमियों की जॉब निकाल दी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको पूछना चाहूंगा, अगर वो 4 साल बाद युवा पेंशन आ जाएगा तो 11 लाख के साथ वो अपना घर तैयार करेगा, अपने परिवार का लालन पोषण करेगा, किस तरह से अपना जो बचा हुआ भविष्य है, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को किस तरह से वो पालेगा। भाजपा का ये एक जुमला है 2024 की इलेक्शन को लेके, जो 2024 के अंदर जरूर बोलेगी कि हमने देश के युवाओं को नौकरियां दी, हमने देश के युवाओं को ये सब दिया। मैं आपके माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगा कि देश को मूर्ख बनाना बंद। वहीं अग्निपथ योजना पर देश भर में छिड़े संग्राम से जम्मू आने वाली 5 ट्रेनें लगातार 3रे दिन भी रद्द रही, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें जम्मू से जाने वाली 3 ट्रेनें अर्चना एक्सप्रेस, हिमगिरी एक्सप्रेस और जम्मू कोलकाता एक्सप्रेस पिछले 3 दिनों से नहीं चल रही है। वहीं ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को मजबूरन दूसरी ट्रेनों में जनरल टिकट पर सफ़र करना पड़ रहा है। ऐसे में टिकट काउंटर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। वहीं जम्मू में वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के मौके पर कश्मीरी पंडितों ने यूएन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कश्मीरी पंडितों ने कहा कि आए दिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से प्रदेश में अस्थिरता पैदा करता रहता है और पाकिस्तान को अपनी नीतियों से बाज आ जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी यहां पर लोगों ने की, पाकिस्तान घाटी में अस्थिरता पैदा कर रहा है, ऐसा लोगों का कहना था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों को छोड़ देना चाहिए। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे पर जोरदार प्रदर्शन यूएन ऑफिस के बाहर देखने को मिला। पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की गई, पाकिस्तान घाटी में अस्थिरता पैदा कर रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया। साथ ही कहा गया कि पाकिस्तान को अपनी नापाक हरकतों को खत्म कर देना चाहिए। कंट्री घोषित किया जाए और ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट्स है, टेररिज्म है,
हम उनको अंकुश लगाए, यही एक हमारी डिमांड है हमारी यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से। क्योंकि आपने पता है दुनिया को, भारत एक ही ऐसा देश है जहाँ पे हर कम्युनिटी का, हर मजहब का इंसान रहता है, और जो कहता है हिंदू मुस्लिम सिख इत्याद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो जो भारत जो है चार डिकेड से टेररिज्म के का फ्रंटलाइन वॉरियर है, सारी दुनिया को अभी इंडिया के पीछे खड़ा होना चाहिए इस टेररिज्म की मेहनत को खत्म करने के लिए। और उस समय सारी हमारी सच्चाई को छुपाया गया, जेनोसाइड को छुपाया गया, उस वक्त प्रेस भी खामोश रहा। तो इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए, और इसके खिलाफ हम अपने देश से अपील करते हैं पार्लियामेंट से कि वहाँ एक बिल हो जिसमें हमारा जेनोसाइड रिकॉग्नाइज हो, इसके खिलाफ बिल पास हो, और हमें रिहैबिलिटेट किया जाए अपनी अपनी जगह में वापस। वी हैव द सेम राइट जैसे सभी के, हाँ, आम आदमी के राइट्स हैं। तो इसलिए ये सब टेररिज्म के हम शिकार हुए थे, ये इसको मानना पड़ेगा सारी दुनिया को। भारत और इसराइल फ्रंट लाइन पर लड़ रहे इससे टेररिज्म से। वहीं जम्मू कश्मीर में पिछले एक दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जो कि अगले दो दिन 22 जून तक जारी रहेगी। तो बारिश की वजह से जम्मू में मौसम सुहाना है, और हल्की हल्की बारिश से गर्मी से भी राहत है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मंगलवार दोपहर से बुधवार दोपहर तक दक्षिण कश्मीर के कुछ हिस्सों तक और जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना दर्ज की गई है। उधर जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित लगातार 38 दिनों से जम्मू में ट्रांसफर किए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकर्ताओं ने कहा है कि उपराज्यपाल ने कहा था कि हमारी मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने मांग करते हुए कहा कि उनका ट्रांसफर कश्मीर से अलग कहीं और किया जाए। पलायन क्यों? ये आठवां पलायन ये इस सरकार को सोचना चाहिए था। आठवां पलायन यूं क्योंकि 6,000 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय यहां पर नौकरी करते, खाली 1200 लोग यहां पर अकोमोडेटेड है। बाकी जितने भी हमारे लोग हैं वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे, उनको फेयर साइकिल से ज्यादा हो गया, और वो लोग सारे लोग मास माइग्रेशन करके भाग गए। और ये आठवीं बार जो कश्मीरी पंडित जो पलायन कर रहा है, ये इस सरकार को सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा भद्दमा दाग है। ये जो आठवीं बार, अगर आज की सरकार में भी ये आठवीं बार हम लोगों का पलायन हो रहा है, तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। और सरकार से हम यही डिमांड करते हैं कि एक और वार्तालाप हो, और सबसे बड़ी बात है हम लोग तैयार हैं कोई भी बात करे, और रिलोकेशन के बगैर हम लोगों का कोई मुद्दा नहीं है। हम आज 38 डे है हमारा आज प्रोटेस्ट पे, और हमारी डे वन से यही एक ही डिमांड है गवर्नमेंट से, और हमने एक ही डिमांड रखी है कि हमें अटैच किया जाए रिलीफ डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारा पैरेंट डिपार्टमेंट है। हमने कोई आपको कोई कम्युनिटी को शिफ्ट नहीं करना है, सिर्फ एम्प्लॉयज़ को शिफ्ट करना है। हम सिर्फ 4,500 एम्प्लॉयज़ है जो आपको शिफ्ट करना है, कोई भी कम्युनिटी या किसी फैमिली को आपको यहाँ से शिफ्ट कश्मीर नहीं, कश्मीर से जम्मू नहीं करना है, सिर्फ एम्प्लॉय को आपको बचाना है। अभी यहाँ सिक्योरिटी स्नैरियो ठीक नहीं है। जब सिक्योरिटी स्नैरियो यहाँ ठीक हो जाएगा, जैसे बाकी हमारी कम्युनिटी आएगी, हम भी उनके साथ शाना बचाना यहाँ वापस आएंगे। और दूसरी बात, हम एलजी सर से हमारी उम्मीदें कुछ ज्यादा है, क्योंकि जिस टाइम हमारी डेलीगेशन एलजी साहब से मिलने गई थी, तो एलजी साहब ने कहा था कि हम 3-4 राउंड हम आपस में बात करेंगे, लेकिन महीना होने को है, एलजी साहब हाउस से हमें कोई बुलावा नहीं आया। हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी साहब से कि हमें बुलाएं, फिर से इस पे बात हो, क्योंकि बिना बात के मसले का हल नहीं निकलेगा। जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में बैंक लूटने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि रविवार की रात गार्ड को बंधक बनाकर करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ कर लुटेरे फरार हो गए। मामला कठुआ शहर के हटली मोड़ स्थित HDFC बैंक का है। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। वहीं जम्मू में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में उम्मीदवार सेवक सिंह ने अपना नाम वापस ले लिया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि चुनाव में बाकी प्रत्याशी धनबल, बाहुबल और शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि गुरुद्वारों की निस्वार्थ सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए चुनाव प्रचार के वर्तमान हालातों को देखते हुए मैं अपनी उम्मीदवारी वापस लेता हूँ। पिछलियाँ जी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दमेटियां सन, जिन्हों की कारगर्दी कुछ अच्छी नहीं गुजरी। पिछले 7 सालों तो वो कुर्सी नाल चिपके हुए सन। गुरु घर दी प्रॉपर्टी उन्होंने खुर्द बुर्द कीतियां, गुरु घर दी गोलकां दा मिसयूज किया, गुरु घर दी गोलकां दे पैसों कोर्टां विच लगातार स्टे उपर स्टे लैंदे रहे।
इन्हों की इस कारकर्दगी देख के पंथ में बहुत वड्डी निराशा हुई, जिस कारण हाई कोर्ट के अल्टीमेट आर्डर से इलैक्शन आई। मैं भी दास भी इस इलैक्शन उतरिया क्योंकि मेरे साथियों ने सहयोगियों ने मैनू कहा कि तुहाडे वर्गी परसनैलिटी सानू चाहिए अगे आओ ता कि इन्हां लोकां नू ठल पाई जाए जिहड़ा धर्म का सिक्खी सिद्धांत का अते गुरुद्वारे का कान जिन्हां ने किया है। असीं कुछ मैनूफेस्टो लै के आए, वो मैनूफेस्टो की कापियां तुहाडे सामने हन, तुसीं फोटोस्टैट देख सकते हो। वहीं जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार ने कई दिनों से काम पर ना आ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने ऐसे 112 डॉक्टर्स को उनकी सेवा से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए बर्खास्त कर दिया है। इस मामले में सभी डॉक्टर्स के खिलाफ 4 नोटिस जारी किए गए जो बिना किसी अनुमति के लंबे समय से सेवा से अनुपस्थित थे। उधर जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस कई जगहों पर नाके लगाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चल रही गाड़ियों को सील कर रही है। इस जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक 15 जून की समय सीमा खत्म हो गई है और अब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के बिना चल रही गाड़ियां सील की जाएंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नाका तोड़ने वालों के खिलाफ भी चालान किया जा रहा है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहनों के HSNP लगवाने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में अब जबकि अंतिम समय सीमा खत्म हो गई है तो पुलिस सख्ती बरत रही है। ऐसे ही आप चलिए, अब कुछ लोग नाका तोड़ के भाग रहे हैं, हम ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं कर सकते हैं कि वो रोकें, वो गिर जाए, लग जाए, इंजरी हो जाए। वायलेटर यहाँ नहीं तो अगर नाके पकड़ा जाएगा, मैं वायलेशन जो भी है विजिबल है उसमें चलान होगा। हम रोकने का इशारा देते, कोई नहीं रुकता है, ज़बरदस्ती भाग जाता है, तो पकड़ने की कोशिश हम ज़बरदस्ती करेंगे, गिर जाएगा, लग जाएगी उसको, तो हम हमारा जो आगे नाका होता है हम उसको अलर्ट करते हैं, तो आगे जाके उसका चलान हो जाता है। जहाँ माइनर केस में ड्राइविंग है, जहाँ छोटे बच्चे हैं जो एलिजिबल नहीं है आपका ड्राइव करने के लिए, जहाँ पे वो ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ गार्डियन रिस्पॉन्सिबल है उसकी एक्टिविटी के लिए, वहाँ गार्डियंस को चलान हो रहा है। इसमें कोई छूट नहीं है, जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन थी 15 जून उसमें लास्ट टाइम था अपनी गाड़ियों को रजिस्टर करने का, जिन लोगों ने नहीं किए हैं अब उनके लिए एक ही एक्शन है, वो गाड़ियाँ सब सीज होंगी। उनके साथ भी सेम है। वहीं श्रीनगर में आज संतूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रदर्शन किया जिसमें उन्होंने सरकार से रोजगार देने की मांग की। बता दें सरकार ने इस होटल को बंद करने का आदेश दिया है जिससे यहां कई सालों से काम कर रहे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और रोजगार देने की मांग की। होटल में पिछले 35-40 साल से काम कर रहे हैं, रियासती सरकार ने संतूर होटल को अपनी तहवील में लिया है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया। आज ये उम्र की उस हद तक पहुंचे हैं जहां उनको या तो नौकरी करनी है या तो खुदकुशी करनी है। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं उनकी जॉब सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए, उनको संतूर होटल में उनको तैनात किया जाए, उनको उनकी नौकरियों को वहां बाकायदा बनाया जाए। अगर संतूर होटल में सरकार को कोई परेशानी है तो किसी सरकारी दफ्तर में, किसी सरकारी महकमे में 160 मुलाजमीन को तैनात किया जाए। अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि सरकार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है, सरकार इनके साथ जुल्म कर रही है। ये जुल्म को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने नहीं देंगे। मैं आपके माध्यम से रियासती ट्रेड यूनियन लीडरों से रिक्वेस्ट करता हूं वो उनके मदद में आए क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ जुद्दोजहद में मामले हल किए और अब भी ये मुलाजिम चाहते हैं कि वो इनके रेस्क्यू में आए ताकि उनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए। क्योंकि जो आज का फैसला है, उनको निकालने का फैसला है, ये तो यह फैसला CSR के खिलाफ है, यह फैसला लेबर लॉज के खिलाफ है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। आपके माध्यम से फिर सरकार से मुतालबा करता हूं इनकी नौकरियों को बाकायदा बनाया जाए, इनकी जॉब सिक्योरिटी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।